हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज की वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे। उस ट्रिक की हेल्प से हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं फादर्स ऑफ डिफरेंट 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 बायोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो इस ट्रिक को लर्न करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स लेनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले हमारे पास है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। तो अब देखो बच्चे, टोटल बायोलॉजी और टोटल जूलॉजी के फादर जो है वो कौन है, एरिस्टोटल है। टोटल मीन सारा का सारा। तो इससे हम लर्न कर सकते हैं, टोटल मीन सारी की बायोलॉजी और सारी की सारी जूलॉजी को लर्न करने के लिए इसके जो फादर है वो कौन से हैं, एरिस्टोटल। ठीक है, टोटल से हम याद कर सकते हैं बायोलॉजी और जूलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल। तो नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी मीन स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स मीन्स आपके दिमाग में फॉरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि इनके जो फादर है वो कौन, थियोफॉरेस्टिस। थियोफॉरेस्ट में फॉरेस्ट, ठीक है, आप लर्न कर सकते हो। तो फॉरेस्ट को लर्न करने से आप लर्न कर सकते हो कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफॉरेस्टिस। तो नेक्स्ट वन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से आप कार को लर्न कर सकते हो, जैसे आपको कार विजिबल है, ठीक है, टैक्सो मीन टैक्सी कार। तो इसके जो फादर है वो कौन है, कॉलिनियंस। तो आप इसको इजीली वे में लर्न कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो बच्चे, इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी में तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि बहुत सारे जो इंसान होते बीमार होते हैं और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, हॉस्टल में वार्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो वार्ड, तो उस वार्ड के साथ साथ आप लर्न कर सकते हो इसके जो फादर है वो कौन है, एडवर्ड जैनर। सो एडवर्ड जैनर इज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी। नेक्स्ट वन है हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जी जे मेंडल। तो बच्चे, यहाँ पर हम लर्न कर सकते, जैसे बहुत सारे इंसानों की जो जीन्स है बहुत स्ट्रांग होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं, तो जिसकी वजह से जीन्स के स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो मेडल लेते हैं। तो फादर ऑफ म्यूटेशन, जो है वो कौन है, ह्यूगो डी वराइस। वराइस मीन्स चेंजेस, चेंजेस मीन म्यूटेशन। तो इसकी हेल्प से हम लर्न कर सकते हैं फादर ऑफ म्यूटेशन मीन्स ह्यूगो डी वराइस। तो नेक्स्ट वन है फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जो फादर है वो कौन से है, रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर आप हुक देख सकते हो, ठीक है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, तो साथ ही आप एक राउंड सेल देख सकते हो, तो उससे हम हेल्प ले सकते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। तो नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन को आपने देखा है कि हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं ना, तो हिप्पोक्रेट्स जो है आप देखते हो कि बहुत सारा है, यहाँ पर कार्ट है, तो कार्ट में बहुत सारी मेडिसिन है, तो उसकी वजह से आप लर्न कर सकते हो, मेडिसिन मीन मेडिसिन बहुत सारी आप कार्ट में लिखे, तो दैट इज फादर ऑफ मेडिसिन। तो नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। दोनों के जो नेम है बच्चे, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स जो आप वुड नजर आ रही है, वुड मीन्स लॉग, लॉग से नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एम एस स्वामीनाथन। तो आप ऐसे इंडियन में, तो स्वामीनाथन। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंट आपने एलेक जेफरी को तो देखा होगा, जेफरी को देखा होगा, तो उससे हम लर्न कर सकते हैं एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर वो कौन है, एलेक जेफरी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं हार्वे, लास्ट में विलियम हार्वे है। हार्वे, ए आर मीन्स आर्टरी, वी ई मीन्स वेन्स। तो आप इस डायग्राम को देखकर ही बता सकते हो, आर्टरी वेन्स मीन्स इसके जो फादर वो कौन है, विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन के जो फादर हैं विलियम हार्वे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे